मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया, जहां बीपीएल परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर पोर्टल मुहैया कराएगा और उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। सीएम सैनी ने कहा, घोषणाओं को पोर्टल पूरा करेगा। 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। गरीब अंत्योदय में जीवन को सुगम करना लक्ष्य है। योजना पर सरकार 1500 करोड़ सालाना खर्च करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम सैनी ने जल्द चुनाव की खबरों पर ब्रेक लगाते हुए कहा कि तारीख के ऐलान के साथ अगर आचार संहिता लग जाएगी, जल्द चुनाव की बात नहीं है, चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को ठगने का काम किया है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धारा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार का यह लक्ष्य है कि हम गरीब अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस पोर्टल के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने बेनिफिशरीज के खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गृहिणियों को लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरियाणा की हर पात्र गृहिणी, हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उठाएगी। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि अभी महीना डेढ़ महीना तो सारी रह गया, आम तारीख आने के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। चुनाव आयोग की तो जिम्मेवारी बनती है कि पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, और वो आज आए हैं यहाँ पर तैयारियों की उसमें आए हैं। ये जल्दी का नहीं, जल्दी तो हो ही गई, महीना तो सारा रह गया। नहीं देखिए, घोषणा नहीं कर रहा हूँ, उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आज चर्चा की है अपने इसमें कि हमने जो तीज पर्व के ऊपर बहनों को एक सौगात दी थी कि 500 रुपए में उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा, आज हमने उस पोर्टल को लॉन्च किया है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं, परंतु 1500 करोड़ रुपए का हमारी हरियाणा प्रदेश की बहनों को ये लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया। 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बेरोजगारी के ऊपर बोलते रहते हैं, मैं ये बात उनको पूछ रहा हूँ, मैं लगातार पूछ रहा हूँ। खाली झूठ बोलता है मंच पर खड़ा होकर कि बेरोजगारी है। भाई तो अपनी तो बता दे, इसके समय में क्या हालत है, किस प्रकार से नौकरी लगती थी। हमने अभी 8,500 TGT के टीचरों को बुला करके उनको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दिया है, और अभी मैं कल यहाँ पर लगभग 3,870 जो डी ग्रुप और TGT पंजाबी, लंबे समय के बाद जो पहली बार पंजाबी के टीचर हमारे हरियाणा के अंदर लग रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पंजाबी के टीचर यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं, 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, अरे खाली वोट बजाने की बात नहीं है, झूठ बोलने की बात नहीं है, मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई को ऊपर बात करता हूँ। आपकी सरकार में 10 वर्षों में कितने बालक लगे, कितने युवा लगे, बताएं, बताने का काम करें ना।